हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एंटरटेनमेंट हब में। तो आज के 10 जी के क्वेश्चन, तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो आपके पास सबसे 5 सेकेंड का समय जवाब देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी उत्तराखंड। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, बिश्केक किस देश की राजधानी है? ऑप्शन ए स्लोवाकिया, ऑप्शन बी हंगरी, ऑप्शन सी निकारागुआ या ऑप्शन डी किर्गिस्तान। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी किर्गिस्तान। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए काठमांडू नेपाल, ऑप्शन बी सिंगापुर, ऑप्शन सी जकार्ता इंडोनेशिया या ऑप्शन डी मैड्रिड स्पेन। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी जकार्ता इंडोनेशिया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय खिलाड़ी शिव थापा किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी ट्रैक एंड फील्ड, ऑप्शन सी फुटबॉल या ऑप्शन डी बॉक्सिंग। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय जवाब देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी बॉक्सिंग। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम IFC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरिस फ्रांस, ऑप्शन बी वाशिंगटन DC या ऑप्शन सी वियना ऑस्ट्रिया या ऑप्शन डी ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी वाशिंगटन DC। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, महान जीवित चोल मंदिर में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी कर्नाटक या ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए, कमेंट में फटाफट से उत्तर बताएं। इसका उत्तर ऑप्शन डी तमिलनाडु। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए टेनिस, ऑप्शन बी फुटबॉल, ऑप्शन सी हॉकी या ऑप्शन डी एथलेटिक्स। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी फुटबॉल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, चेक गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है पैसो? ऑप्शन बी रिंगित, ऑप्शन सी कोरुना, ऑप्शन डी यूरो। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन सी कोरुना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम भारत के किस भाग में स्थित है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या ऑप्शन डी दिल्ली। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड का समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन बी गुजरात। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन, माधव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो आपके पास अब सिर्फ 5 सेकंड में समय उत्तर देने के लिए। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश।
तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन और उनके आंसर। तो आई होप कि आप लोगों ने खुद को रैंक किया होगा और कमेंट में बताया होगा कि आप लोगों को कितने क्वेश्चन का आंसर पता है। तो ऐसे यूजफुल कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को हिट ज़रूर करें, जिससे कि ऐसे यूजफुल कंटेंट आपके पास टाइम टू टाइम पहुँचती रहे। तो अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।